गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रोमा घरे हेयर अगेन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइन। लाइन से पहले हम एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं हमने लाइन के बारे में ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा हुआ है। लेट्स टॉक अबाउट दीज टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास कोई भी दो पॉइंट्स हैं जिन्हें हमने ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन नहीं है, ये है लाइन सेगमेंट, राइट? ये कहलाता है लाइन सेगमेंट। तो फिर लाइन क्या होती है? जब हमारे दोनों तरफ यानी एक लाइन के दोनों तरफ एरो होते हैं तो ये बनती है एक्चुअल में लाइन, है ना। इसका नाम आप किसी स्मॉल लेटर एल पी एम एन क्यू ऐसे किसी भी स्मॉल लेटर से लिख सकते हैं, एल वन एल टू, ये होती है लाइन, ठीक है, जिसका ना तो कोई इनिशियल पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। बट हाँ, बीच में अगर इस पॉइंट पर कोई, इस लाइन पर कोई पॉइंट लाई करता है तो इनके नाम हम ए बी सी डी एनीथिंग ऐसे नाम हम रख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम पेयर ऑफ लाइंस के बारे में, जो कि हमें सेक्शन में पढ़ना है। पेयर ऑफ लाइंस मतलब अब एक लाइन नहीं है, अब लाइन के साथ एक और भी लाइन है। कैसी लाइन है? मेरे पास एक लाइन है, मैंने इस लाइन के ऊपर एक क्रॉसिंग लाइन बना दी। इस लाइन का नाम है एल वन, मैं इसे एरो के साथ पूरा कर देती हूँ। इस लाइन का नाम है एल टू। अब ये लाइन्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग लाइन्स है। इन लाइन्स को कहा जाता है इंटरसेक्टिंग लाइन्स, यस। सो दीज लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स। अच्छा, लाइन्स तो इंटरसेक्टिंग हो गई, लेकिन जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करती है सोचिए उसका नाम क्या होगा। इस पॉइंट को आप ओ कह सकते हैं और इसका नाम है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि एक ऐसा पॉइंट जिस पर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए अब देखते हैं एक और पेयर को। यस, अब हमारे पास दो लाइंस है लेकिन अब की बार वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, अब वो एक दूसरे के पैरेलल जा रही है। पैरेलल मतलब दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस कहीं ख़त्म नहीं होने वाला। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पर या इस जगह पर, दोनों जगह ये डिस्टेंस, तीनों जगह ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर ही है। 5 हो सकता है, 4 हो सकता है, कोई भी डिस्टेंस, बस इक्वल होना चाहिए। अगर दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल है तो ऐसी लाइंस को हम कहते हैं पैरेलल लाइंस। तो मैं लाइन के नाम लिख देती हूँ L1, L2 और एरो लगा के हम इसे पूरा भी कर देते हैं। तो अब ये लाइंस कैसी बन गई? ये लाइंस बन गई है पैरेलल लाइंस। क्लियर है? हमें समझ आया? ये था लाइन सेगमेंट, इसे लाइन नहीं कहते। देन वी हैव लाइन जिसमें दोनों तरफ एरो है। फिर हमारे पास इंटरसेक्टिंग लाइंस है जब दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती है। फिर हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है, ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। अच्छा, आप बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते इक्वल लाइंस और पैरेलल लाइंस में। अच्छा, अगर ये लाइंस ऐसे जा रही है और मैं कहती हूँ दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस इक्वल है तो क्या ये पैरेलल लाइंस है? तो कई बच्चे सोचते हैं कि नहीं, ये तो पैरेलल है ही नहीं। ये पैरेलल है, ऑफ कोर्स ये पैरेलल है। लाइन इक्वल हो या ना हो, यानी इन लाइंस का, अगर हम ये कहते हैं ये लाइन 5 सेंटीमीटर है, मैं इसको लाइन सेगमेंट की फॉर्म में लिख देती हूँ, और ये भी है, लेट्स टेक 7 सेंटीमीटर लेट्स टेक, और इसका, इसके भी मैंने दो पॉइंट डिनोट कर दिए, ये हो गया L1 और L2। आपको दिख रहा है कि अनइक्वल है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल है, लेट्स टेक इट टू बी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर भी इसका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर ही है, तो भी हम कहेंगे ये दोनों लाइंस पैरेलल ही है। पैरेलल होने की एक ही कंडीशन है कि दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अगर लाइनें छोटी बड़ी है, इक्वल नहीं है, तो भी उन दोनों के बीच का डिस्टेंस इक्वल होने से लाइंस पैरेलल ही होती है। लाइन पैरेलल होती है तो हम इन्हें लिखते कैसे? पैरेलल लाइंस के लिए हम अपना ये वाला साइन यूज़ करते हैं, L1 पैरेलल टू L2। तो इसका मतलब है लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2। क्लियर है? अब हमने ये पढ़ लिया कि पैरेलल लाइंस कैसी होती है। एक और टाइप की लाइन हम पढ़ते हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल जा रही है, पैरेलल जाने पर एक और लाइन आ गई बीच में जो इन दोनों लाइंस को क्रॉस कर रही है। इस लाइन का नाम तो हमें पता है, हम इसे L1 और L2 लिखते हैं। लेकिन ये जो थर्ड टाइप की लाइन आई जिसने इन दोनों लाइन को क्रॉस किया, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? इस लाइन को हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मैं इसका नाम T लिख देती हूँ। तो ये कौन सी लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन।
ट्रांसवर्सल लाइन कब आती है एग्जिस्टेंस में, जब वो दो पैरेलल लाइंस को क्रॉस करती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक लाइन जा रही है और एक लाइन ऐसे क्रॉस कर रही है तो क्या ये ट्रांसवर्सल लाइन कही जाएगी? नहीं। अब तो ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस है ना, जस्ट लुक एट दिस एग्जांपल, है ना। अब ये दोनों कैसी लाइंस है? इंटरसेक्टिंग है। अब ये यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। ट्रांसवर्सल कब आती है? जब दो पैरेलल या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन आके कट करती है, कोई भी थर्ड नंबर पर लाइन आके कट करती है, तब हम कहते हैं कि वो एक ट्रांसवर्सल लाइन है। आई होप इट इज़ क्लियर। अच्छा, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं इन्हीं लाइंस से बनने वाले अलग अलग एंगल्स को, जिससे कि हम बहुत सारे और क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, जल्दी से एक नोट बना लीजिए इसका।